हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस बेसिक एंड्रॉयड सेशन के इस लेक्चर में हम टोस्ट के बारे में समझेंगे कि टोस्ट क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे बनाते हैं और इसको हम अपने एंड्रॉयड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड टोस्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एंड्रॉयड टोस्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन को हमारे डिस्प्ले पे डिस्प्ले करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अ टोस्ट कंटेन अ मैसेज टू बी डिस्प्ले क्विकली एंड डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। जो हमारा टोस्ट होता है वो कुछ मैसेज को कंटेन किया रहता है जो हमारी स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे कुछ टाइम के लिए अपीयर होता है, इसके बाद वो अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। द एंड्रॉयड डॉट वेज डॉट टोस्ट क्लास इज द सब क्लास ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास। मतलब कि जो हमारा टोस्ट होता है, ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के सब क्लास में जावा लैंग के रूप में होता है। ठीक है, टोस्ट क्लास इज यूज टू शो नोटिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। जो हमारा टोस्ट क्लास होता है वो हमें नोटिफिकेशन शो करता है फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। आफ्टर सम टाइम इट डिसअपीयर, उसके बाद वो अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। इट डज नॉट ब्लॉक द यूज़र इंट्रैक्शन, ये हमारे यूज़र के इंट्रैक्शन को ब्लॉक नहीं करता। तो जैसा आपने पबजी का गेम देखा होगा जिसमें आप एग्जिट कर देते हैं तो उस पर एक अलर्ट डायलॉग में आता है कि इफ़ यू आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट दिस गेम, तो आप यस कर देते हैं तब वो जाके होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये जो टोस्ट बनता है वो अपने आप डिसअपीयर हो जाता है, इसमें हमें अलर्ट डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन एंड्रॉयड वेज दैट इज यूज टू शो ए मैसेज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वही बात की ये हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैसेज को डिस्प्ले कराता है। इट डिसअपीयर आफ्टर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसके कुछ एट्रीब्यूट एंड डिस्क्रिप्शंस हैं। पब्लिक स्टेटस इंट लेंथ लॉन्ग, और इसका डिस्क्रिप्शन ये एट्रीब्यूट्स है। इसका डिस्क्रिप्शन मतलब ये है कि डिस्प्ले व्यूइंग फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम। लेंथ लॉन्ग हो जाएगा तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा, लेंथ शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। इसके कुछ मेथड्स हैं और क्लास हैं। ठीक है, मेथड्स क्या हैं? पब्लिक स्टैटिक टोस्ट मेक टोस्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कैरेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट इंटीजर ड्यूरेशन। मेक द टोस्ट कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ड्यूरेशन, मतलब कि इसके डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये टोस्ट ले कंटेनिंग जो टोस्ट होता है वो टेक्स्ट के मैसेजेस एंड टाइम के ड्यूरेशन को कंटेन किया रहता है। ठीक है, पब्लिक वाइड शो, ये हमारे टोस्ट को डिस्प्ले कराता है। पब्लिक वाइड सेट मार्जिन फ्लोट हॉरिजेंटल मार्जिन फ्लोट वर्टिकल मार्जिन, मतलब चेंज द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मार्जिन डिफरेंसेज, ये हमारे जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मार्जिन के चेंजेज होता है उसमें डिफरेंस को बताता है। इसका सिंटैक्स टोस्ट का ये है, ये मैं आगे आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बना के रखे हुए हैं, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को एंड्रॉयड में कैसे करेंगे। तो चलिए हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, एम्पटी एक्टिविटी। तो आज का हमारा लेक्चर टोस्ट है, तो चलिए हम टोस्ट, इसका एप्लीकेशन का नाम टोस्ट ही रख लेते हैं। अब यहां से हम इसे फिनिश कर देते हैं। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो हमारे ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं, हमारा ये एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप हो चुका है, तो हमें टोस्ट का एक मैसेज दिखाना होगा। तो टोस्ट का मैसेज दिखाने के लिए हम एक बटन बना लेते हैं। रिसोर्स फाइल के लेआउट में हम एक बटन डिज़ाइन कर लेते हैं XML में, ठीक है, जिसके क्लिक पे हम वो टोस्ट का मैसेज शो कराएंगे आपको। क्योंकि आप किसी भी ऐप में देखते होंगे तो आप किसी भी एक बटन पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरे एक्टिविटी में जाता है, या फिर वो बैक जाता है, या फिर कोई टोस्ट शो करता है कि आपका रॉन्ग पासवर्ड है।
तो उसके लिए तो वो जो मैसेज आता है वो टोस्ट में ही होता है। तो हम उसके लिए एक बटन पहले बना लेते हैं सिंपल, टोस्ट आपको कैसे दिखाते हैं कि टोस्ट का मैसेज कैसे दिखता है। तो यहाँ से एक बटन हम ले लेते हैं, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे हम आपको दिखाएंगे टोस्ट का वो मैसेज, इसकी आईडी बटन है। तो सबसे पहले हम इसकी आईडी फाइंड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब बटन की आईडी बन गई, अब हम इसके लिसनर बना लेते हैं बटन के। तो हम बटन के अब लिसनर बना लेते हैं, जिसके क्लिक पे हमें वो टोस्ट शो कराना है। तो इस बटन का लिसनर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिसनर बना लेते हैं। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब हमें टोस्ट बनाना है, तो उस टोस्ट का सेंटेक्स लिखना होता है। तो मैं आपको टोस्ट का सेंटेक्स बता देता हूँ क्या होता है। टोस्ट, फिर इसका कोई वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, टोस्ट इज इक्वल टू, फिर टोस्ट टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, फिर जिस एक्टिविटी में हम, उस एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी, उसके साथ हम दिस लगाते हैं, डॉट दिस कॉमा, फिर हमें जो टोस्ट दिखाना है वो लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ हाय अमन, हाय अमन, ये टोस्ट दिखाता हूँ। फिर टोस्ट डॉट लेंथ हमें क्या करना है, जैसे डॉट लेंथ हमें क्या करना है, लेंथ हमें लॉन्ग रखना है और शॉर्ट रखना है। तो मैं आपको शॉर्ट करके भी दिखा, पहले दिखाता हूँ फिर लॉन्ग करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ कि शॉर्ट और लॉन्ग में अंतर क्या है। ओके, इसके बाद अगर हम इसको यही यहीं पर कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, लेकिन एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम रन करा के। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, लेकिन अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो देखें आप कोई कोई भी, तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी टोस्ट नहीं आ रहा है, जो जबकि हमने यहाँ पे टोस्ट लिखा है हाय अमन आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा टोस्ट डॉट शो। ओके, अब हम इसे रन कराएंगे तो वहाँ पे वो दिखेगा टोस्ट, हमें जो हमने टोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हाय अमन करके आ रहा है शॉर्ट टाइम के लिए। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टोस्ट हाय अमन करके आ रहा है, तो ये शॉर्ट टाइम के आ रहा है। यहाँ पे हम लॉन्थ लेंथ, अगर हम यहाँ पे लेंथ लॉन्ग कर दें तो ये थोड़े और समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए रहेगा टोस्ट। जैसे हम दिखाते हैं आपको लेंथ लॉन्ग करके, ठीक है। इस पर हम अभी क्लिक करते हैं तो देखिए हाय अमन आ रहा है, कुछ देर के लिए रह रहा है, शॉर्ट टाइम नहीं लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए ये रह रहा है। तो आपने ये देखा कि टोस्ट कैसे बनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कस्टम टोस्ट कैसे बनाया जाता है। कस्टम टोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये टोस्ट यहाँ पे है, यहीं पे आ रहा है, बाई डिफॉल्ट यहीं पे सेट रहता है। अब आप चाहते हैं ये टोस्ट यहाँ पे आ जाए, ऊपर आ जाए, बगल में आ जाए, तो कस्टम टोस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो एग्जामल में एक और बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं कस्टम, कस्टम टोस्ट हम बना रहे हैं, तो टेक्स्ट से इसका नाम रख लेते हैं, कर देते हैं। इसकी आईडी है बटन टू, ठीक है। अब हम इसके इसकी आईडी यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं, बटन बटन वन इज इक्वल टू फाइंड आर डॉट आई डी डॉट बटन टू है। ओके,
और यहाँ पे हम वो बटन का लिसनर बना लेते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, और लिसनर बना लिए। अब जो हमने यहाँ पे टोस्ट का मैसेज रखा हुआ है वही सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट हम कुछ चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट जैसे हम रख लेते हैं कस्टम ही, कस्टम ही रख लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे बस हमें एक चीज़ और यहाँ पे चेंज करना होगा कि हमें उसका ग्रेविटी को सेट करना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट डिस्प्ले के किस साइड दिखना है, तो हम इस टोस्ट की ग्रेविटी को सेट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं इसकी ग्रेविटी को, ग्रेविटी को मान लीजिए हम इसको 10 कर देते हैं इसकी वो ग्रेविटी, और इसकी डिस्टेंस को हम 200 कर देते हैं ऑफसेट को, और इसके वाई एक्सिस को, इसके एक्स ऑफसेट को इतना कर देते हैं और वाई ऑफसेट को भी हम 200 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम टोस्ट डॉट शो कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, अब रन करा के दिखाते हैं। अब देखेंगे आप जो हमारा टोस्ट होगा बटन वन पे कहाँ पे है, बटन टू पे कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब आप ये इसको देखिए, बटन वन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टोस्ट है वो हाय अमन करके यहाँ पे आया हुआ है नीचे, लेकिन हम कस्टम वाला जो बनाया है उसको देखेंगे तो कस्टम वाला टोस्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे आया हुआ जो हमने जहाँ बनाया है। तो यहाँ से आप एक्स एक्सिस की ऑफसेट और वाई एक्सिस का ऑफसेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसकी ग्रेविटी दे सकते हैं कि कहाँ होगा डिस्प्ले में, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं टोस्ट को, कस्टम टोस्ट। अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने से कस्टम टोस्ट बना भी कैसे सकते हैं, कि जैसे अपना बनाया हुआ कस्टम टोस्ट हम कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें ड्रॉएबल में कुछ इमेजेस रख लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, वेक्टर एसेट से कुछ इमेज ड्रॉएबल में रख लेते हैं, मान लीजिए हम एरो का रख लेते हैं इमेज, फॉरवर्ड एरो का, ओके। मान लीजिए किसी पेज दूसरे एक्टिविटी में जाना हो, उसके लिए आपको अपना कस्टम टोस्ट बनाना होगा इमेज के साथ, तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका नाम बस एरो तक ही रख लेते हैं, सेव सेव कर लेते हैं ड्रॉएबल में, ओके। ये हमारा अब सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम लेआउट में एक नया लेआउट रिसोर्स बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कस्टम, ओके। अब हमारा ये बन चुका है, यहाँ हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट, लिख लेते हैं गो, फॉरवर्ड जाना है तो गो लिख लेते हैं। इसकी हम ग्रेविटी को सेंटर कर देते हैं यहाँ से, और इसकी जो टेक्स्ट की साइज है ये भी हम चेंज कर देते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं पूरा, ओके। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। इमेज हमने लिया है वो ड्राइवर लेफ्ट में रख देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट में ड्राइवर में इमेज आ चुका है जो इमेज हमें चाहिए था, ठीक है। इसके बैकग्राउंड का हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ये कलर रख लेते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है। अब हमारा कुछ ऐसा कस्टम टोस्ट बन गया, इसे अब हमें अपने डिस्प्ले पे शो कराना है। तो इसे अब अपने डिस्प्ले पे शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे शो कराने के लिए हम इसी बटन में कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं जो टोस्ट हमने बनाया, बटन वन के क्लिक पर ही हम इसको टोस्ट कराते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे हमें लेआउट को इन्फ्लेट कराना पड़ता है। तो चलिए हम पहले लेआउट को इन्फ्लेट करा लेते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू गेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें टोस्ट को व्यू कराना है तो हमें व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक व्यू इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, व्यू इज इक्वल टू लेआउट को इसमें हम इन्फ्लेट करा देंगे, जो हमने लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाया उसको इन्फ्लेट करा देंगे, डॉट इन्फ्लेट, फिर
फिर इसमें हम जो आर डॉट लेआउट हमने अपना बनाया है टोस्ट का, कस्टम टोस्ट का, वो रख लेंगे, ठीक है। आर डॉट लेआउट, लेआउट बनाया हमने डॉट कस्टम एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी का नाम है हमारे, इस लेआउट का नाम है कस्टम एक्टिविटी। फिर कॉमा करेंगे हम, एक व्यू ग्रुप बनाएंगे, व्यू ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको, व्यू ग्रुप बनाएंगे। फिर हम फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट व्यू लेआउट, जो हमने इस लेआउट का नाम बनाया है वो लेआउट, और डॉट आईडी डॉट हमने क्या बनाया है टोस्ट, उसका हमने आईडी बना दिया टोस्ट, हमने इसकी आईडी बनाई है टोस्ट। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि वो टोस्ट को हमें जिस एक्टिविटी में दिखाना है उसका नाम लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें टोस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टोस्ट इज इक्वल टू न्यू टोस्ट। हमें किस एक्टिविटी में दिखाना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस में दिखाना है, ठीक। ये हो गया। अब हम इसके सेट को व्यू, जो हमें व्यू वहाँ पे दिखाना है उस व्यू को हम सेट कर लेते हैं, सेट व्यू। टोस्ट में दिखाना है तो टोस्ट डॉट सेट सेट व्यू, व्यू में हमें क्या दिखाना है, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट में दिखाना है, लॉन्ग में दिखाना है तो हम लॉन्ग कर लेते हैं। लेंथ लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम टोस्ट डॉट शो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेंथ लॉन्ग कर लिया और टेस्ट डॉट शो कर लिया। अब हम इसे रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को, क्या होता है, एरर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। जैसे कि आप पहले बटन पे क्लिक करेंगे तो हाय अमन करके आना चाहिए, वो टोस्ट आ गया। कस्टम वाले पे हमने कस्टम वाला टोस्ट बनाया है तो वो आना चाहिए, जो इमेज बनाया, देखा आपने, हमने ये इमेज वाला ही टोस्ट बनाया था कस्टम में। तो आप देख सकते हैं वो इमेज वाला टोस्ट यहाँ पर आ चुका है। इसे आप और अच्छा बना सकते हैं अपने तरीके से, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।